अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुखदेव पांसे की अपमानजनक टिप्पणी के बारे में IANS के ट्वीट के आधार पर कंगना ने जोरदार जवाब दिया है। पिछले हफ्ते बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने एक्ट्रेस को नाचने और गाने वाली महिला कहा था, जिसके बाद कंगना ने सांसद पर पलटवार करते हुए उन्हें बेवकूफ बताया था। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, चाहे जो कोई भी हो, क्या वह यह जानता है कि मैं कोई दीपिका, कैटरीना या आलिया नहीं हूं। मैं अपनी तरह की केवल इकलौती हूं, जिसने आइटम नंबर करने से इनकार कर दिया। मैंने बड़े हीरो खान कुमार के साथ फिल्म को मना कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा बॉलीवुडिया गैंग, मर्द और औरतें मेरे खिलाफ हो गए हैं। मैं एक राजपूत महिला हूं, मैं कमर नहीं हिलाती हूं, हड्डियां तोड़ती हूं। उनका यह ट्वीट IANS के उस ट्वीट के जवाब में आया, जिसमें लिखा था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, उन्हें नाचने वाली कहा था। सुखदेव पांसे ने कहा था कि एक नाचने गाने वाली महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, और इसका विरोध करने के लिए अगर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े होते हैं तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। लोकतंत्र में विरोध करना सबका हक होता है, लेकिन केवल एक महिला के चक्कर में पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पर बहुत ज्यादा लाठीचार्ज किया और उन पर झूठे केस लगाए, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। अब कंगना को बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का समर्थन मिला, लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो वायरल हो रहा है। स्वरा भास्कर ने ट्विटर पर लिखा, सुखदेव पांसे ने एक बेवकूफ, सेक्सिस्ट और पूरी तरह से निंदनीय बात कही। कंगना, आपने इसे और बुरा कर दिया। ये बातें स्वरा ने कंगना के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक